आंध्र प्रदेश के जिला मुरादाबाद में कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर एजेंसी से मिले इनपुट पर पुलिस द्वारा मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बारे में एसएसपी अमित पाठक ने जानकारी दी। आप भी सुनिए एसएसपी अमित पाठक ने क्या कहा। हम लोगों को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के एक ट्रेन में सवार होने की सूचना मिली, तो शॉर्ट नोटिस पर उस इनपुट पर ये समझ में आया कि उस ट्रेन की तलाशी लेना ज़रूरी है, और इसलिए एसपी रामपुर से कोऑर्डिनेट करते हुए और एसटीएफ की टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक ट्रेन की तलाशी ली गई है। और उसमें जो कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आईडी वगैरह का वेरिफिकेशन ज़रूरी था, तो वो कार्य लगभग कम्प्लीट हो गया है। तो ये 2-3 जो यूनिट्स थी पुलिस की और रामपुर की, तो उनके द्वारा ये तलाशी ली गई। कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? पूछताछ के नहीं, कुछ लोग जब हम ट्रेन की तलाशी ले रहे थे तो कुछ आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखा पाए कुछ लोग, तो उनका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा भी है। तो वेरिफिकेशन लगभग वो कम्प्लीट हो गया है, अभी कुछ देर बाद जो लोग उसमें से क्लीन चिट पा जाएंगे उनमें। कितने लोगों को हिरासत में लिया? अभी 4-5 लोगों से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। किस ट्रेन में था सर ये ट्रेन? गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस करके थी। तो क्या इनमें किसी हत्यारे के होने की भी उम्मीद है, बताया जा रहा है? नहीं अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कह रहे, और चूंकि ये बताया गया था कि ट्रेन में संभावना है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ फोटोग्राफ्स हमको उपलब्ध हुई तो उस हिसाब से एक बार स्कैनिंग करनी जरूरी थी, इसलिए ये एसटीएफ भी थी सर चल रही है। इसमें एसटीएफ भी थी, और चूंकि पास में कटघर थाना था वहाँ पर एसटीएफ की टीम और हमारे। तो सर कोई स्पेसिफिक मैटर था या फिर? नहीं, स्पेसिफिक मैटर नहीं था, कुछ एजेंसी को, एक पर्टिकुलर एजेंसी को कुछ लोगों की तलाश थी जिनकी फोटोग्राफ्स हमको दी गई, तो उनको हमको ये टास्क मिला। चूँकि रनिंग ट्रेन है इसलिए आपके यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो आप देख लीजिए क्या इनमें से कोई ट्रेन में मौजूद है, तो उसी के नाते तलाश। उन फोटो से मिलते जुलते लोग मिले हैं? हाँ मिले हैं, पर उनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है, वेरिफिकेशन के बाद ही इस पर टिप्पणी करेंगे, वो हो भी सकते नहीं भी। ठीक है सर, थैंक यू सर। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.